हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैंने चने का दाल और चावल भिगो के रखा था पीसने के लिए, यहाँ पे पीस लिया है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, नमक, चीनी और अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पीस लिया था और उसके बाद इसमें थोड़ा सा सूजी ऐड कर दूँगी। तो ढोकला में जो जो पड़ता है ढोकला के बैटर में, बस वही सब यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने रिफाइंड तेल भी इसमें डाल दिया है। और अब इसको मिक्स करके और मैं रात भर के लिए छोड़ दूंगी और सुबह में इसका ढोकला बनाऊंगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी मैं नाश्ता बनाने आ गई हूँ और टाइम हो गया है 7:30। और ये ढोकला का बैटर बहुत बढ़िया फूल गया था, पर फिर भी मैंने इसमें थोड़ा इनो डाल दिया है। इनो डाल के एक बार का बैठा दिया है। और अभी ये आज अदरक का पहला दिन है तो खीर पूड़ी बनेगा। तो ये मैं दाल चाह रही हूँ उबलने के लिए बैठाने, तो दाल वाली पूड़ी बनेगी और खीर बनेगा। और आप सभी भी बताइएगा आपके यहाँ आगरा में बनता है या नहीं। वैसे आगरा में हर कोई बनाता है खीर पूड़ी, आम इसके साथ रहता है। तो चलिए दाल को धो के और तो एक तरफ मैंने ढोकला चढ़ा दिया था और दूसरी तरफ दाल मैंने कुकर में बैठा दिया था। तो ये 3 सीटी लग गया है और मैंने इसको धो के और रख लिया है। और उसमें थोड़ा सा हल्दी भी मैंने मिक्स कर दिया ताकि हल्दी का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। गरम गरम दाल में मैंने मिक्स करके रख दिया है। और इधर दूसरी तरफ मैंने खीर चढ़ा दिया है। तो खीर में मैंने पहले क्या किया है कि थोड़ा सा पानी गर्म करके उसमें चावल डाल के और 50% जब चावल पक जाएगा तब मैं उसमें पूरा दूध ऐड करूँगी। डायरेक्ट दूध में बनाने से क्या होता है कि बहुत टाइम लग जाता है चावल को गलने में, गलता नहीं है। और दूसरी तरफ मेरा ढोकला भी बन रहा है, खीर मैंने बैठा दिया है। और इधर दाल को हल्दी मिक्स करके और चने की दाल को मैंने मिक्सी में ऐसे दरदरा पीस लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च कूटकर। और उसके बाद ये नमक मैंने डाल दिया और ये है चाट मसाला। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी काली मिर्च का पाउडर और इसमें चिली फ्लेक्स मैं डाल दूँगी। और जीरा भी बहुत अच्छा लगता है, जीरा को आप कूट के डालिए या फिर ऐसे साबुत भी डाल दीजिए तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया है। बस ये जो है दाल की तैयार हो गई है, दाल की स्टफिंग बोलेंगे या फिर पूड़ी की स्टफिंग बोलेंगे, तो ये मेरी तैयार हो गई है। और इधर ढोकला भी मेरा देखिए बन चुका है, बहुत ही बढ़िया सा बन गया था। अब मैं जब भी बनाऊंगी तो ऐसे ही बनाऊंगी। हर बार बनाती थी तो बेसन जो आता है उससे ही उसी को घोल के और बस वैसे ही बनाती थी और परफेक्ट नहीं बनता था। तो इधर अभी मैंने इसमें डाल दिया है 1 लीटर दूध। अब मैं इसको पकाऊंगी। 50% चावल जो है पक गया था तो खीर इधर बन रहा है। आटा मैंने लगा के रख लिया है और ढोकला बस दूसरी बार वाला भी मैंने बैठा दिया एक बार का निकाल के। और अब मैं लेने जा रही हूँ करी पत्ता ढोकला के लिए। तो फटाफट से बस यही नाश्ता बनाना है मुझे, बना लूँगी। और आज का दिन है जो अदरा है, आज ही के दिन से अदरा शुरू हो रहा है। तो अदरा में खीर और पूड़ी ज़रूर खाया जाता है साथ में आम। तो बस वही खीर पूड़ी और ढोकला का प्लान मैंने पहले से ही किया था, रात में ही सोच लिया था कि ढोकला बनाऊंगी सुबह में। लेकिन फिर मम्मी जी बोली कि अदरा है तो आज खीर पूड़ी बनाओ, तो मुझे दोनों बनाना पड़ा, वरना ढोकला कोई ज़रूरी नहीं रहता। तो मुझे पता नहीं था इस वजह से दो बना रही हूँ।
तो एक तरफ देखिए ढोकला भी बन रहा है और दूसरी तरफ खीर बन गया। तो खीर जो है वो मैं बना रही हूँ गुड़ वाला, मतलब चीनी वाला खीर नहीं बना रही हूँ। तो अभी मैं इसमें गुड़ को गर्म पानी में अच्छे से मेल्ट करके फिर इसमें ऐड करूँगी। तो वो चूल्हे पे ऐड करने से क्या होता है कि दूध फट जाता है कभी कभी, तो इसलिए जब भी गुड़ वाला खीर बनाते हैं तो इसको पहले उतार लिया जाता है और उतार के बाद में इसमें गुड़ ऐड किया जाता है। तो ये देखिए गुड़ वाला पानी ही ले लिया है मैंने इसमें, और अब मैं इसमें ऐड करूँगा। थोड़ा सा मैंने चीनी भी डाल दिया था ताकि गुड़ जो है बहुत ज़्यादा डालने पर पूरा मीठा होता है, तो थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर दिया है। और बाकी मैंने गुड़ ऐड करके और खीर रेडी हो गया है। और यहाँ पे ढोकला भी दोनों बन गया है, दो बार में बना, मतलब दो बार का बना। तो ढोकला भी देखिए काफ़ी बढ़िया बना था, स्पंजी बना था बहुत ही अच्छा। इसका भी मैंने इस पर पानी जो होता है खट्टा मीठा वाला डाल दिया है, और ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे पूड़ी बनाने लगी थी, तो दाल भर के पूड़ी बनता है हमारे यहाँ आगरा में, और आगरा में बहुत सारा कुछ होता है। धान का बीज डाला जाता है और क्या क्या होता है मुझे सही से नहीं पता, लेकिन आगरा में बहुत लोगों के घर में खीर पूड़ी बनता है। तो ये कोई वो नहीं है, बस आगरा एक नक्षत्र है जिसमें ये सारा कुछ होता है। तो खीर पूड़ी ज़रूर खाना चाहिए, खीर पूड़ी और साथ में आम। तो आप सब भी अगर नहीं खाते होंगे तो आगरा में ये ज़रूर खाइएगा। और यहाँ पे मैंने पूड़ी जो है अपना देखिए तलना शुरू कर दिया है, तो साथ के साथ मैं भरते जा रही हूँ और पूड़ी भी तलते जा रही हूँ। तो बस यही है मेरा छोटा सा ब्लॉग, और ये ब्लॉग को मैं किसी और ऐप से एडिट कर रही हूँ। काइन मास्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उससे वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। मैं कल ही इसको अपलोड करने वाली थी, पर कल दिन भर मैं ट्राई करते रह गई, नहीं हुआ। तो आज मैं ये दूसरे ऐप से एडिट कर रही हूँ, तो थोड़ा टाइम भी लग रहा है, और इस वजह से मैंने वीडियो को छोटा रखा है, क्योंकि इस ऐप में मुझे पूरी तरीके से अभी कोई जानकारी नहीं है। तो चलिए, आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मेरी थाली तैयार हो गई, दाल भर के पूड़ी है, खीर है और आम है। आइए आप सब भी खा लीजिए, और आप सब बताइएगा कि मेरी थाली ये कैसी लगी, अदरक की स्पेशल।